आपके साथ और आप देख रहे हिंद एक्सप्रेस न्यूज। तो चलिए डाल लेते हैं नजर आज दिन भर की तमाम खबरों पर। लायंस क्लब ऑफ कोलकाता आप आकांक्षा की ओर से आज चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में रोगियों और उनके परिवार जनों को निशुल्क भोजन कराया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चितरंजन कैंसर हॉस्पिटल है और यहाँ पर भारी तादाद में लोग हैं जो कि चिकित्सा के लिए आए हुए हैं। उनके परिवार और वहाँ के गरीब लोगों को लायंस आकांक्षा की ओर से भोजन करवाया गया। तकरीबन 250 लोगों को यहाँ भोजन कराया गया है। आइए हम लोग बात करते हैं उन लोगों से जो भोजन कर रहे हैं। लायंस क्लब ऑफ कोलकाता आप आकांक्षा के सदस्यों का कहना है कि हर रोज किसी न किसी अस्पताल के गेट के ऊपर यह कार्यक्रम कर लोगों को निशुल्क भोजन करवाया जाता है। ये कार्यक्रम हम लोगों को बहुत ही आनंद देता है। आपको बता दें कि इस मौके पर यहाँ लायंस क्लब ऑफ कोलकाता के कई सदस्य मौजूद थे। निशा लट्ठा प्रेसिडेंट थी, आदित्य मिश्रा सेक्रेटरी, ब्रज देवी लट्ठा की ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, संजय लट्ठा, पवन चूड़ीवाल, निर्मला चूड़ीवाल, कोमल चूड़ीवाला, अविनाश लट्ठा, वर्णिका लट्ठा और आदित्य मित्रा की धर्मपत्नी सहित कई गणमान्य गण यहाँ उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट हिंद एक्सप्रेस। कितने से ये काम कर रहे हैं आप? ये हमारा 24 साल हो गया। 24 साल? अच्छा। मैं यहाँ पहले ब्लड बैंक में था। अच्छा। ब्लड बैंक से ये गाड़ी निकाला था, इसमें आ गया। पर ये कितना रेगुलर आप खाना सबको बांटते हैं? जी। कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है ये सेवा कार्य करने में? सेवा करने में अच्छा लगता है। तो आप हर जगह जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, जरा एरिया बताएंगे? जैसे आपका वो ये है पीजी है, चितरंजन है, मेडिकल कॉलेज है, एनआरएस है, यहाँ यहाँ जाते हैं, उससे भी दूर दूर जाते हैं। पर जैसे बालसोनी गए थे, उसका पहले शॉर्ट लेक सेक्टर 5 में गए थे, उसके बाद आपका वो इको पार्क है, हनुमान मंदिर, वहाँ जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। रेगुलर कितने आदमी खाना बांटते हैं? जैसा ऑर्डर रहता है, कभी 1200-1500 पर डे। पर डे 300 दिन गाड़ी बाहर निकलता है। जयदेव, आप कितने वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं? 4 साल। कैसा लगता है आपको ये करते हुए? ये सेवा का काम है। तो आप हमेशा ये यही करते हैं सोशल वर्क या और भी दूसरा कोई कार्य? खाना हम खा रहे हो 2 महीना बाद। 2 महीना बाद अच्छा लगता है यहाँ पे? अच्छा लगता है। वो खाना मिलेगा तो सब आदमी के लिए अच्छा लगेगा, हमको नहीं, सब आदमी के लिए अच्छा लगेगा। खाना मिल रहा है, खाना किस तरह का खाना है आपको खा, सब बताएंगे कैसा स्वस्थ खाना है कि नहीं है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है खाना लेकर? बढ़िया लग रहा है। ये हम लोग लायंस क्लब ऑफ कोलकाता, हम लोग आकांक्षा तो हर साल इस तरह का आयोजन करते हैं और हर महीना करते हैं, समझे, जगह जगह पर करते हैं, लोगों को अच्छा खाना मिले, ताज़ा खाना मिले, सबको स्वास्थ्य अच्छा है, उसके लिए कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। আজ কে এখানে এই হসপিটালের সামনে আপনারা যে খাবারটা পরিবেশন করছেন, বিশেষত যারা দূর থেকে আসেন, আমাদের দরিদ্র লোকেরা তারা যদি খেতে পান, এটা আমার দেখে ভালো লাগে। আমি বহুদিন দেখেছি যে আপনারা কেউ না কেউ এখানে আসছেন, বিনা পয়সায় গরম খাবার পরিবেশন করছেন, কোনো অর্থ নয়। এটা আমি বলবো লায়ন্স ক্লাবের সৌজন্য, আমি বলবো আপনার মতো বা আপনাদের মতো মহান লোকেরা আছেন, সেজন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। হ্যাঁ, এটা আমার ভীষণ ভালো লাগছে। 1962 থেকে আপনারা করে যাচ্ছেন, আরও করুন, আরও বড় হোক। এবং ইন ফিউচার আমি চাইবো আমিও লায়ন্স ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হই, লায়ন্স ক্লাবের মেম্বার হই, এটা আমার আশা। অনেকই ভালো। আপনি লায়ন্স ক্লাব আকাঙ্ক্ষা কি তরফ সে যে ভোজন দিয়া গেয়া, আপকো ভো ভোজন কেমন লাগা? বহুত আচ্ছা লাগা। आपका नाम? जगन्नाथ। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर।
धन्यवाद। खाना गर्म था क्या? ना ठीक है, गर्म खाना है, बाहर का सब्जी गर्मी हो गया।